नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार से कैबिनेट मंत्री बने सांसदों ने आज संभाला अपना कार्यभार। छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की होगी पदस्थापना। राज्य सरकार फसलों का करेगी डिजिटल सर्वे। राबड़ी आवास से लेकर राजद कार्यालय में जमकर मना लालू यादव का जन्मदिन। आज कैनेडा के साथ मुकाबले में पाकिस्तान हारी तो T20 वर्ल्ड कप से होगी बाहर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार से कैबिनेट मंत्री बने सांसदों ने आज संभाला अपना कार्यभार। मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद बिहार के सभी 8 सांसदों को उनके हिस्से के मंत्रालय सौंपे जा चुके हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान। इन्हें खाद्य एवं प्रसंस्करण व उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। मुंगेर से सांसद लल्लन सिंह को पंचायती राज तथा मत्स्य पशुपालन व डेयरी मंत्रालय मिली है। गया से सांसद जीतनराम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय मिला है। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह को कपड़ा उद्योग की जिम्मेदारी मिली है। मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद ये अपने अपने मंत्रालय कार्यालय पहुंचे। ललन सिंह आज सुबह 11:30 बजे कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। चिराग पासवान अपने मंत्रालय के कार्यालय में सुबह 10 बजे पहुंचे। मांझी ने भी अपना कार्यभार 11 बजे के करीब में संभाला। छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की होगी पदस्थापना। राज्य में करीब 75,000 सरकारी स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों में छात्र और छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने छात्र और शिक्षक के अनुपात का आकलन भी शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे इस निरीक्षण में ये बातें भी सामने आएंगी कि कहीं छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा या कम तो नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शिक्षकों की उपस्थिति की जांच फोटोयुक्त होने जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों के विद्यालय स्तर पर टैब खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। फोटोयुक्त व्यवस्था के तहत विद्यालय में मौजूद सभी शिक्षकों की फोटो क्लिक करके अपलोड किए जाएंगे। यदि कोई शिक्षक इस दौरान अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके वेतन में कटौती ना करके उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आज से STT पेपर 2 की परीक्षा, कदाचार मुक्त दूसरे शिफ्ट की परीक्षा का हो रहा आयोजन। आज से STT पेपर 2 की परीक्षा शुरू है। परीक्षा 2 शिफ्ट में ऑनलाइन माध्यम से चल रही है, जिसमें करीब 2,37,442 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होकर 12:30 बजे तक है। वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर के 3 बजे से शाम के 5:30 बजे तक है। सुबह पहली शिफ्ट की परीक्षा सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी और अभी दूसरे शिफ्ट की परीक्षा का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना जरूरी है। परीक्षा शुरू होने के 1/2 घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार फसलों का करेगी डिजिटल सर्वे। किस इलाके में किस फसल की खेती हो रही है, इसका पता लगाने के लिए राज्य के सभी फसलों का डिजिटल सर्वे करवाया जाएगा। डिजिटल सर्वे की मदद से किसानों को भी फायदा होगा। आपदा के स्थिति में यदि उनके फसल को नुकसान पहुंचता है तो उसके एवज में मदद भी उन्हें आसानी से मिल सकेगी। किस इलाके में किस फसल की खेती हो रही है, इसकी जानकारी सरकार को रहेगी, जिससे सरकार भी उन फसलों के मार्केटिंग की व्यवस्था कर पाएगी। साथ ही किसानों को बीमा लाभ भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए फिलहाल 15 जिलों का चयन हुआ है, जिसमें अरवल, अररिया, बांका, बेगूसराय, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, पश्चिम चंपारण, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल शामिल है। आरा बलिया रेलवे लाइन का काम होगा शुरू। केंद्र सरकार में रेल मंत्रालय ने 125 दिनों की खास योजना तैयार की है। आरा में चल रहे कार्यों को इसका बड़ा लाभ गति शक्ति के तहत मिलेगा। रेल मंत्रालय द्वारा पूर्वांचल पर इसकी नजर रखी जा रही है। इस योजना में आरा बलिया रेल लाइन को भी शामिल किया गया है। एक रेल अधिकारी द्वारा बताया गया कि पटना से आरा होते हुए दिल्ली तक स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना है। इसके अलावा 100 किलोमीटर से कम के मार्ग पर वंदे मेट्रो, 100 से 550 किलोमीटर के मार्गों पर वंदे चेयर कार और 550 किलोमीटर से अधिक के मार्गों पर वंदे स्लीपर ट्रेन चलाई जाएगी। दुबई में भी लोग ले रहे शाही लीची का स्वाद। मुजफ्फरपुर के विश्व प्रसिद्ध शाही लीची का स्वाद हर किसी को पसंद है। इसका स्वाद चखने की डिमांड ना केवल देश बल्कि विदेशों से भी आती है। अब इसी डिमांड के तहत मुजफ्फरपुर के बंद्रा से दुबई के लिए शाही लीची की बड़ी खेप रवाना हुई है। ये शाही लीची संयुक्त अरब अमीरात के दुबई भेजी गई है।
इसके लिए बिहार लीची उत्पादक संघ को भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा कूल चेन रेफ्रिजरेटेड वैन उपलब्ध करवाई गई थी ताकि शाही लीची सही तरीके से वहां पहुंच सके। दुबई में पूरे 4 टन लीची को भेजा गया है। शाही लीची को लेकर ये रेफ्रिजरेटेड वैन लखनऊ एयरपोर्ट पर गई है, जहाँ से लीची फ्लाइट से दुबई भेजी जाएगी। राबड़ी आवास से लेकर राजद कार्यालय में जमकर मना लालू यादव का जन्मदिन। आज राजद सुप्रीमो लालू यादव का 77वां जन्मदिन है। इस अवसर पर उनके परिवार वालों से लेकर उनके समर्थकों ने लालू यादव के जन्मदिन का जश्न मनाया है। इस अवसर पर रोहिणी आचार्य ने कई तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें लालू यादव अपने परिवार वालों के साथ केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजद कार्यालय में भी काफी जश्न का माहौल देखा गया है। राबड़ी आवास पर इस मौके पर खूब ढोल नगाड़े भी बजे। लालू यादव के समर्थकों ने जमकर ठुमके भी लगाए, साथ ही मिठाइयां भी बांटी गई। लालू यादव के समर्थकों द्वारा इस दौरान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं और सभी ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं। सारण से प्रखंड अध्यक्ष ने राजद से दिया इस्तीफा, राजद को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सारण से मसरख प्रखंड अध्यक्ष विक्रमा सिंह ने राजद की प्राथमिक सदस्यता और प्रखंड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह उन्होंने पार्टी के नेतृत्व व नीति से असंतुष्टि बताई है। सारण जिला अध्यक्ष के नाम पर विक्रमा सिंह ने पत्र लिखा है और राजद अध्यक्ष सुनील राय को भेजा है। उन्होंने प्रखंड कमेटी को भी भंग कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को राजद पार्टी में असहज महसूस कर रहा था। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं को कोई तरजीह नहीं दी जाती है। प्रशांत किशोर ने बताया कि स्पोर्टर्स को वो करेंगे टारगेट। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि एक सर्वे के मुताबिक 50-55% लोग चाहते हैं कि बिहार में नया प्रयास या नया विकल्प हो, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि वो पार्टी कौन सी होनी चाहिए। पर उन्हें पता है कि वर्तमान पार्टियों से बिहार में सुधार नहीं होने वाला है। अगर आप उन पर 50% लोगों को इकट्ठा कर लें तो संख्या 6 करोड़ हो जाएगी। अपने इस बयान से प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि उनका टारगेट यही 6 करोड़ वोटर्स होंगे। मुकेश सहनी ने कहा वे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने पर नहीं देंगे बधाई। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण लेने के बाद विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि वे नरेंद्र मोदी को उनके पीएम बनने पर बधाई और शुभकामनाएं नहीं देंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो हमारे संविधान को समाप्त करने की सोच रखता है। निषाद समाज को आरक्षण नहीं तो प्रधानमंत्री जी को भी बधाई नहीं। आगे उन्होंने कहा कि गरीब पिछड़ा के हक अधिकार को दूसरे में बांटने वाले और बाबा साहेब आंबेडकर के सपने को कुचलने वाले तथा आरक्षण खत्म करने के लिए सभी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने वाले प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दो। आज कपड़ा मंत्रालय का पदभार संभालते ही गिरिराज सिंह का बयान, मोदी कैबिनेट में जगह मिलते ही गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि आज से गिरिराज सिंह ने अपने टेक्सटाइल मंत्रालय का भार संभाल लिया है। गिरिराज सिंह के कार्यालय पहुंचते ही वहां कई पदाधिकारियों ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कपड़ा मंत्री की भूमिका में आने पर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रहा हूं। ये एक ऐसा पद है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विरासत के लिए बहुत महत्व रखता है। कपड़ा उद्योग केवल कपड़े और फैशन के बारे में नहीं है, ये हमारे समृद्ध इतिहास, विविध परंपराओं और लाखों कारीगरों, श्रमिकों और व्यवसायों की उद्यमशीलता की भावना का प्रतीक है। मोदी मंत्रिमंडल के बंटवारे पर तेजस्वी का तंज, एनडीए की सरकार बनने के बाद मोदी मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है। इस बंटवारे के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस बिहार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उसे मंत्रिमंडल बंटवारे में झुंझुना थमा दिया गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के नव नियुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं भी दी हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर यह भी कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का हम बिहार वासियों को इंतजार रहेगा। हम बिहार वासी जानते हैं कि बिहार की तरक्की के बगैर देश तरक्की नहीं कर सकता। चिराग के मंत्री बनते ही उनकी बड़ी मां ने इस परियोजना की कर दी मांग। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार चिराग पासवान को भी जगह मिली है। चिराग पासवान की इस सफलता से उनकी बड़ी मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। चिराग की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने जागरण से बातचीत के दौरान कहा कि चिराग ने शहर बन्नी और खगड़िया का नाम रोशन किया है, अपने पिता के नाम को भी रोशन किया है। मेरा आशीर्वाद सदैव चिराग के साथ रहा है, चिराग और आगे बढ़ेगा। आगे राजकुमारी देवी ने कहा कि खगड़िया कुशेश्वर स्थान
रेल परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए वे चिराग को कहेंगी। वहीं चिराग की शादी को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब शादी के बारे में वे चिराग से पूछती हैं तो वे हंस देते हैं। नव निर्वाचित सांसद पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने के लगे आरोप। एक फर्नीचर कारोबारी ने पूर्णिया के नव निर्वाचित सांसद पप्पू यादव और उनके करीबी पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का बड़ा आरोप लगाया है। फर्नीचर कारोबारी ने आरोप लगाने के साथ ही केस भी दर्ज करवाए हैं। अब रंगदारी का केस दर्ज होने के बाद पप्पू यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वे साजिश के पीछे जो लोग हैं उन्हें बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच करवाई जाए और जो दोषी हो उसे फांसी की सजा दी जाए। आपको बता दें कि पप्पू यादव के खिलाफ ये मामला मुफस्सिल थाना में दर्ज हुआ है। पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव पर आरोप है कि दोनों ने पिछले साल दुर्गा पूजा में रंगदारी की मांग की थी। आज कनाडा के साथ मुकाबले में पाकिस्तान हारी तो T20 वर्ल्ड कप से होगी बाहर। आज T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम का मुकाबला कनाडा से होने वाला है। भारतीय समय के मुताबिक ये मुकाबला रात के 8 बजे न्यूयॉर्क के नासाउ काउंट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले हैं। यदि आज ये पाकिस्तान की टीम कनाडा से हारती है तो T20 वर्ल्ड कप 2024 से पाकिस्तान बाहर हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआती दोनों ही मुकाबले में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब धन के नाम है बाबूलाल मरांडी, रवि कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, संजय गोस्वामी, रंजन कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, नीलम कुमारी, मोहम्मद साकिर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, आजाद कुमार, भारती कुमारी, सुरभि सुमन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक फसलों के डिजिटल सर्वे से क्या किसानों को फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।